अभी हमें बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिली है। पंचायत लेवल पर तो पैसा आता है, मगर जो एडमिनिस्ट्रेशन हमें एग्जीक्यूट करने नहीं देती। जहां पे भी देखो, अगर कहीं पे पानी है मगर वो पीने के लायक नहीं है। आजकल लोग जो विद फैमिली एंटरटेन करने जाते हैं वो तो बहरहाल सिनेमा ही जाते हैं। ये और बात है कि आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम रूबरू, मैं हूँ प्रोग्राम की होस्ट यास्मीन मंजूर। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे प्रोग्राम में बात होती है मुख्तलिफ मौजूआत पर, बात चाहे तामीर और तरक्की को लेकर हो, बात चाहे तालीमी शोबे को लेकर हो, या फिर बात चाहे नौजवानों की फलाह व बहबूद को लेकर हो। नाज़रीन, आज आए हैं हम पट्टन के लोगों के बीच, करेंगे हम यहाँ के लोगों से बात और जानेंगे क्या है इनके मसाइल। बात करेंगे ड्रग्स के हवाले से, जानना चाहेंगे यहाँ के आवाम से ड्रग्स की जब बात आती है तो पट्टन का इलाका ड्रग्स के मामले में कहाँ तक है, यहाँ क्या यहाँ के नौजवान अभी भी ड्रग्स में मुलव्वस है, और अगर है तो क्या वजूहात है? मुझे लगता है इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ के जो नौजवान हैं अभी दिन ब दिन बेरोज़गार होते जा रहे हैं। दूसरी बात, ड्रग्स कहाँ से आता है? क्या गवर्नमेंट सप्लाई करती है? नहीं। ड्रग्स हमारे इलाके में कोई एक बंदा होता है जो वहाँ खेत में जाता है, वहाँ पे क्या उसको बोलते हैं पता नहीं, बंग शायद बोलते हैं, तो वहाँ से बना के फिर बेचता है। वो भी हमारा ही होता है, कोई रिश्तेदार होता है, दोस्त होता है, और जो लोगों तक पहुँचाता है वो भी हमारा ही भाई होता है। इसलिए ड्रग्स का जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं है, हम खुद हैं। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जो ये ड्रग्स है ये कैसे कंट्रोल होगा। हमारे दीन इस्लाम में ये बताया गया है कि जब तक आप अपने घर वालों की अच्छी परवरिश नहीं कर सकेंगे तो ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा। कुछ हमारे घर में बुराइयाँ होती है, अगर हम उन बुराइयों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम इस बुराई को भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आप किसी चीज़ की वजह जानना चाहते हैं तो पहले उसकी जड़ तक जाइए। जब आप घर में ही बुराई रखते हो, मसलन एक वालिदैन है, बाप है, मम्मी है, और घर में बहुत सारे हैं, तो कभी एक बाप को ये मालूम नहीं होता कि हमें अपनी वाइफ से किस तरह बात करनी चाहिए, या एक वाइफ को ये मालूम नहीं होता कि हम अपने शौहर से किस तरह बात करें, तो इसका असर बच्चों पर पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वालिदैन जो होते हैं यानी माँ बाप, वो अपने बच्चे के सामने सिगरेट पीते हैं, तो ये छोटा बच्चा उनको देखते रहता है ये सिगरेट किस तरह पीता है, क्या करता है। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सिगरेट पीते हैं, छोटा बच्चा आता है वो भी ऐसे मुंह में लेता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका निकोटीन चला जाता है बदन में, तो धीरे धीरे इसका जो है लत लग जाती है उस चीज़ की, या वही चरस पीता है या सिगरेट पीता है या कोई भी चीज़ मसलन इस्तेमाल करता है। या खसूसन पहले हम डॉक्टर के पास जाते थे, इंजेक्शन लेते थे, आइनेक डिक्लोफेन इंजेक्शन, आजकल डॉक्टर देता ही नहीं है जब तक आपके पास एक डॉक्टर का लिखा हुआ वो इंजेक्शन ना हो। तो ये हमने ही ईजाद की हुई चीज़ें हैं, इसको हमें ही कंट्रोल करना है। मेरे ख्याल से जब कौम गुमराह हो जाती है तब ये आफतें आती रहती हैं। अभी खाली मसला चर्स का ही नहीं है, अभी लोग कोडिन यूज़ करते हैं, फोर्टविन यूज़ करते हैं, प्रोक्सीवान यूज़ करते हैं, ट्रोमाडोल यूज़ करते हैं, डिक्लोमाइन यूज़ करते हैं, ये कहाँ से लाते हैं? एक्चुअली जो हमारी जो न्यू यंग जनरेशन है ये फ्रस्ट्रेशन में है, इसलिए क्योंकि एक पीएचडी करके, डॉक्टरी करके, एमबीबीएस करके, बहुत पढ़ाई करके वो आवारा घूम रहा है, उसको कोई कुछ मिलता नहीं है। अब वो करता क्या है, खाली मोबाइल में रहता है, और जब मोबाइल में जाता है अब किसी भी साइड, चाहे इसी मेडिकल साइड में, फिर ये देखता है किस चीज़ में क्या सुकून है, इसको मिलती है ड्रग्स, और ये इस ड्रग उसको फिर आजमाता है। ऐसे ऐसे जो फ्रस्ट्रेशन निकल आती है, जब इंसान ज़्यादा पढ़ता है ना फिर ज़्यादा सोच में जाता है। साइंस एक चीज़ ऐसी है कि ये हमें खोज भी देती है, और पढ़ाई लिखाई ऑलरेडी है, अगर कोई पीएचडी करता है या किसी ने एमबीबीएस किया है या बीए किया है, अब उसको खाली घर बैठना पड़ता है। अब ये पढ़ा लिखा तो ही ये किसी भी साइड पर भी जाता है, कोई भी गुमराह
मैंने पहले ही बोला जब कौम गुमराह हो जाती है ये आफतें आती हैं। हम इससे पहले क्या इसका असबाब हमें ही करना है, अपने घर से शुरुआत करें, अपने आप को ठीक करें, अपनी परवरिश को, अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करें, तभी आगे हम बढ़ सकते हैं, वरना इसको मलकूम का कोई हाल अच्छा नहीं हो सकता। ड्रग्स जिस भी रीज़न पे होता है, आई कांट से अ पर्टिकुलर रीज़न, आधे डिप्रेशन से लेते हैं, आधे प्रेशर में ले लेते हैं, आधे उनको ब्लैकमेल किया जाता है इस चीज़ में, उसका फ़र्क नहीं पड़ता उसने क्यों किया है, रीज़न बहुत सारे करने के, लेकिन हम एज ए सोसाइटी क्या करते हैं उस इंसान के लिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहीं पर भी जाऊंगी एंड आई सी अ ड्रग एडिक्ट पर्सन, यूजुअली सोसाइटी क्या करते हैं, हाउ डू दे रिएक्ट टू देम, दे लाइक ओ ये देखो आया चर्सी, ये मार रहा है, इसे दूर रहो, बच्चे तुम इसे दूर रहो, दे मेक देम ऐसे रिएक्ट कर जैसे वो कोई ज़ॉम्बी है सामने से उनके चल रहा है, इसे दूर रहो, दे डोंट सी लाइक उस सामने वाले बंदे को क्या फील हो रहा है, वो ऑलरेडी किसी चीज़ के थ्रू जा रहा है, उसको सपोर्ट करने के जगह, उसको हेल्प करने के जगह वो डे डू उसको और डिप्रेशन में डाल देते हैं, उसको और सोच में डाल देते हैं, उसका एक ही जरिया रहता है जो वो ऑलरेडी कर रहा है, जिसको उसको ऑलरेडी सुकून मिल रहा है, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग वो उसको और उसमें डाल देते हैं। सो आई गेस एज अ सोसाइटी हम लोगों को वी नीड टू गो टू देम, स्पीक टू देम, टॉक टू देम अबाउट दिस, उसको कैसे हेल्प करेंगे हम निकालने में उस चीज़ों में, कंसल्ट करने डॉक्टर्स के पास ले सकते हो, फैमिली आई गेस आजकल थोड़ा 21st century का माइंडसेट आ गया सब में, ओ हमारा बच्चा नहीं करेगा, और अगर करता भी इट्स हिज लाइफ, हिज रूल्स, हिज विश, ऐसे फैमिली अगर रिएक्ट करेगी उसका कंक्लूजन एक ही होता है, या तो सुसाइड होता है या फिर फैमिली का डेथ होता है, कोई एक ही रीज़न होता है उसमें से। आजकल मैंने देखा कि एक बाप होता है वो अपने बच्चे का जो ध्यान नहीं रखता, बच्चा कहाँ जाता है, मैंने खुद देखा, मैं अपने इलाके में देखा कि एक बच्चा ये जो ड्यू की बोतल होती है यही हाथों में लेके जा रहा था कहीं, दूसरे एक हमारे गांव के साइड में एक घर वाला रहता है, मकान बना है, वहाँ गया ये, मुझे किसी ने बताया कि इसमें ये शराब पी रहा है, ये ड्यू बोतल नहीं है। मैंने दूसरे एक बंदे को साथ में उठाया और गए, वहाँ पे मैंने देखा कि इसने यहाँ से ही दुकान से लिया घर वाले के लिए कुछ खाने के लिए, उसको दे दिया, ये खुद अंदर हो गए और वहाँ पर शराब पी ली, फिर मैंने देखा कि उन्होंने चरस भी पी ली, फिर उनको पकड़ के उसके बाप को बुलाया, उसके बाप ने मुझे बोला कि आप कौन होते हो, इसको छोड़ो, इसको मैंने छोड़ दिया है, ये चाहे ड्रग्स करे या और क्या करे, इसलिए हम ही जिम्मेदार हैं। जब तक हम खुद के कंट्रोल घर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो तब तक हम यानी अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। खुसूसन वालदेन को सीखना चाहिए कि हमें बच्चों को किस तरह पेश आना चाहिए। अच्छे बच्चे मसलन क्यों ड्रग्स लेते हैं, जब माँ बाप को कंट्रोल करना नहीं आता, या अपने बच्चे का मिजाज नहीं पहचान पाते हैं कि हमारे बच्चे का जो मसलन थिंकिंग सिस्टम है वो कैसा है, वालिद कहता है इस तरह करो लेकिन समाज का ज़माना कहता है आप इस तरह करो। एक नौजवान की एक अपनी फीलिंग होती है, जब बाप मसलन 50 या 60 साल का चला जाता है, इनकी फीलिंग की तो मसलन सब ख़त्म हो चुकी होती है। अब नौजवान है 15, 16, 17 साल का, अब ये वालिदैन नहीं सोचता कि मेरा बच्चा ये मसलन चाहता क्या है, ये जैसे कि एक डॉक्टर होता है ये टेस्ट करवाता है बच्चे के लिए या एक इंसान के लिए, तब ये डायग्नोज करता है कि इस बीमार के लिए कौन सी दवा सही है, ये वालिदैन नहीं कर पाता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि अपने मज़हब से जाता है, चाहे कोई भी मज़हब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर मज़हब ये कहता है कि आप पहले अपने बच्चे को सही इखलाक दीजिए और उसके बाद आप अपने बच्चों को सही इस्तेमाल कर सकते हैं, जब पहले बाप ने ही डिप्रेशन दिया अपने बच्चे को। बात हो रही है ड्रग एडिक्शन या जो भी, बाकी सब ने बहुत कुछ बोला, मैं रीजंस पे नहीं जाऊंगी, सोसाइटी कैसे एक्ट करती है इन सब चीज़ों पे नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ एक चीज़ पे फोकस दूंगी कि अगर हम इस वक्त ड्रग एडिक्शन में जा रहे हैं, मेन रीज़न है कि शायद हमें एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ है, हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही या पेरेंट्स हमें नहीं समझ रहे, लीव एवरीथिंग अपार्ट, मेरे हिसाब से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न फॉर ड्रग एडिक्शन इज़ इस्लामिक नॉलेज की कमी। जितना ज़्यादा आप अपने मज़हब को जानोगे, जितना ज़्यादा आप अपने मज़हब के बारे में मज़हब में जाओगे, आप उतना इन सब चीज़ों से दूर जाओगे, चाहे वो ड्रग एडिक्शन हो या कोई और भी चीज़ हो, अपने मज़हब के करीब जाओ और अपनी फैमिली पे बिलीव करो, दे आर नॉट अगेंस्ट यू, आपके कभी अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपने रिलीजन को जानो, अपने मज़हब को जानो, आप इन सब चीज़ों से खुद दूर हो जाओगे, चाहे फिर वो कोई भी चीज़ मुश्किल हो, अगर आप उस चीज़ में इंडल्ज भी हो गए हो, द मोर इस्लाम मेक्स यू नो अबाउट इट, नथिंग एल्स मेक्स यू नो अबाउट इट। ये कंट्रोल है सबसे ज़्यादा यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों पर ध्यान रखें, बच्चा कहाँ जाता है,
जैसे मैं बोलूँ मेरे 3 बेटे हैं, मैं रोज़ बेटों को बोलता हूँ मोबाइल मेरे हाथ में दे दो। किसी की बेटी होती है वो बोलते हैं, वो उसको बोलना चाहिए कि बेटी कहाँ मोबाइल कहाँ से लाया, रिचार्ज कहाँ से लाया, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इसलिए बेटा शाम के वक्त गायब क्यों गया घर से, ये अगर किसी के साथ में घूमता है, किसी कोई दोस्त होता है इसके, किसी के साथ ये जाता है, ये दोस्त कैसा है, ये शराब मत पी रहा है, ये चरस मत पी रहा है, इसको रोकना चाहिए, ये हमें ही रोकना है, इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, ये हम बस हम ही रोक सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट अहम है, क्योंकि हमारी ये ट्रेनिंग दी गई, हम जो चरस पी रहा है उसको पुलिस पकड़ नहीं सकती। हाँ ज़रूर उसको बाप को बोल सकती है कि आप उसको रोको, मगर जो चरस पी रहा है उसके लिए कोई सज़ा नहीं है। उसको समझाना है भाई आप चरस पी रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। इस वजह से चरस की वजह से आजकल चोरियाँ बढ़ गई हैं, मोबाइल चोरी हो रहे हैं, गाँव की चोरी हो रही है, या और कोई चोरी है खेतों से। आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे पेड़ों से सेब गायब हो रहे हैं, और जो हमारे यहाँ पे होता है सब्जी वब्जी वो भी गायब, मगर ले रहे हैं कौन? मैंने देखा है, हमने उनको पकड़ा है, वो सिर्फ ये चरस वाले हैं। इसलिए हमें समाज के जो लोग हैं, जिसमें ज़्यादातर यहाँ पे हमारे इस भाई ने इसको बोलने में कुछ गड़बड़ हो गई, मगर इसको कुछ, हाँ जो मौलवी साहबान हैं हमारे, वो ये दर्ज दे कि आप अपने घर का, सिर्फ अपने घर का ख्याल रखो। अब अक्सर ये लोग कहते हैं कि सिगरेट पीने से सुकून मिलता है, सिगरेट पीने से टेंशन दूर होती है। अब ये नौजवान डाइवर्ट होता है उसी चीज़ की तरफ, शायद इसी से सही होता है, तब जाकर ये नशा शुरू करता है। अब ये कंट्रोल कैसे करें? इस चीज़ के लिए हमें पुलिस का सपोर्ट करना है, आर्मी का सपोर्ट करना है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द पुलिस ही है जिनके पास ऐसे सोर्सेज है जिसकी वजह से हम ये कंट्रोल कर सकते हैं, आर्मी है जिसकी वजह से ये कंट्रोल कर सकते हैं। खुद एक वालिदैन, क्योंकि अब बेटा हाथ से निकल चुका है, कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जैसे कि अभी भाई साहब ने ये कहा कि उन्होंने अपने वालिदैन का गला दबाया है, तो यहाँ पर ज़रूरी ये है कि आप आर्मी का साथ दें, आप पुलिस का साथ दें, उनके साथ के साथ ही आप अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं या ड्रग्स कंट्रोल कर सकते हैं, वरना आप अपने बच्चों को इस यानी दलदल से नहीं बचा पाएंगे जब तक आप खुद की तरबियत या पुलिस या आर्मी के सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। आई थिंक ड्रग्स को किसी भी तरीके से कंट्रोल करना, इट्स ओनली नॉट ओनली अबाउट फैमिली, मतलब आजकल के पेरेंट्स प्राइवेट स्पेस भी बहुत, मतलब है, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यूथ की प्राइवेट स्पेस भी होनी चाहिए, कि बच्चा अगर कमरे में बैठा है तो पेरेंट्स बार बार घुसेंगे एंड दे विल ट्राई टू, मतलब देखेंगे कि क्या कर रहा है, इन्वेड देयर प्राइवेसी। आई थिंक वो भी हर वक्त ये नहीं होता है, बट जो प्रेशर डालते हैं, जो पीयर प्रेशर होता है, जो स्ट्रेस होती है, जो एंग्जाइटी डिप्रेशन आजकल मतलब बहुत होता है, क्योंकि जैसे उनने बोला कि इतना क्वालिफिकेशन करके वो घर पे बैठे हैं, तो ऑब्वियसली दिमाग में अलग अलग चीज़ें आएंगी ही, दिमाग में वो ये आएगा कि हम क्यों नहीं, जब हमने इतनी मेहनत की है तो हम क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं, हम क्यों बैठे हैं अभी तक, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से जो स्ट्रेस है एंड उसकी वजह से दिमाग अलग अलग चीज़ों की तरफ जाता है। बट हमें एज अ सोसाइटी उसकी हेल्प करनी चाहिए, नॉट ओनली पेरेंट्स, या उन्होंने बोला पुलिस या आर्मी, आई डोंट थिंक पुलिस या आर्मी कुछ कर सकती है, बट वी एज अ सोसाइटी शुड टॉक टू देम एंड शुड टेल देम टू टेक हेल्प। प्रॉपर हेल्प होती है इसके लिए, इट्स नॉट कि अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ तो आप पागल हो या यू आर मैड यार या आपका दिमाग ख़राब है या ऐसा कुछ, इट्स नॉट दैट, यू शुड टेक हेल्प। आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, आपको प्रॉपर हेल्प लेनी चाहिए, आपको ऐसे सेंटर्स है यहाँ पे हर जगह है जहाँ पे आपको वो छुड़वाने की हेल्प करेंगे, तो आई थिंक आपको उसमें वो लेना चाहिए। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट पेरेंट्स और इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, बट एवरीबॉडी एज अ सोसाइटी, और प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट के पास जाना कोई टैबू नहीं है, उसको ख़त्म करो, या वो जो ड्रग्स ले रहा है वो एक इंसान गंदा है, बट हमें नहीं पता कि वो किस उसका पास्ट क्या है या वो किस चीज़ के थ्रू जा रहा है, बट इट्स अबाउट कि हम कैसे हेल्प करें। मैं PMG की वाई की बात कर रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है। अब अगर आप देखें तो UP में नियर अबाउट करोड़ों में वो घर दिए गए, हालांकि हमारा जो कश्मीर है इग्नोर किया गया। इन 5 सालों में हमसे कहा गया कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको लाएंगे, मगर आज तक नहीं लाया गया। पिछले साल हमारे कुछ 9 हर एक हल्के से लिए गए थे, मगर ऐन मौके पे वो पैसा वापस लिया गया था। और दूसरी बात यह है कि अभी मेरे हल्के में 55 लाख रुपया है, अभी जईस जो है वो स्ट्राइक पे हैं, क्या करेंगे, अब कैसे डेवलपमेंट हो जाएगी?
जब ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन काम करने नहीं देती है तो मैं एलजी से गुजारिश करता हूं कि इनकी भी बात सुनी जाए, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो जईज़ है इनकी भी बात सुनी जाए ताकि हमारा काम भी होता रहे। अगर वो स्ट्राइक पर रहेंगे तो ये साल तो पूरा ज़ाया हो जाएगा। जो हमारा बजट है पहले से ही आपने 10 दिन रखे हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर ये जो 14th FC ये फाइनेंस जो है ये क्लियर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? अभी तो उनको एक डेढ़ महीना हो गया हड़ताल पर, अब 20 दिन और हड़ताल पर हैं, तो क्या करेंगे? अब वो पैसा सब ज़ाया हो जाएगा। LG से मेरी गुजारिश है कि इस पर भी ध्यान दिया जाए। ये जो पटन का इलाका है, मैं यहाँ रहकर ही कह सकती हूँ कि यहाँ पर मेडिकली ये इलाका आगे नहीं है, ये बैकवर्ड है। मतलब हॉस्पिटल्स हो, हमारे कॉलेज में परसों एक बच्ची बीमार पड़ी तो उसको पटन के एक लोकल हॉस्पिटल में लेके गया गया। आई डोंट नो, शायद हॉस्पिटल था क्या, बिल्कुल भी कोई इक्विपमेंट नहीं था, बिल्कुल भी क्लीन हॉस्पिटल नहीं था। अगर कोई ऐसी जगह जहाँ इंसानों को, जहाँ उस जगह के लोगों को मेडिकल हेल्प चाहिए, वो क्लीन होना चाहिए, वहाँ इक्विपमेंट्स होने चाहिए, वहाँ डॉक्टर्स होने चाहिए। हमें वहाँ नर्सेज और वार्ड बॉयज़ नहीं चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, क्योंकि वो हमारा इलाज करते हैं। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हम एज पीपल ऑफ द एरिया हम डेवलप नहीं होते, हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तब तक हम डेवलप नहीं होंगे। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पे ट्रॉमा हॉस्पिटल दिया है, वहाँ पे नाइट पे एक डॉक्टर रहता है, और यहाँ पटन में जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था बिल्कुल सेंटर में, उसको हटा के वहाँ पे ट्रॉमा लगा दिया था। बिल्कुल अच्छी बात है, हम उससे नाराज़ नहीं है, बट जो आपने जगह खाली कर दी है वहाँ पे पटन में, एक गवर्नमेंट लैंड 8 कनाल है, वो ऐसी ज़ाया पड़ी हुई है। वहाँ पे आजकल एनिमल्स और मुझे लगता है ड्रग एडिक्ट्स के लिए एक बड़ी अच्छी एक प्लेस बन गई है। हम खुद ही ड्रग एडिक्ट्स को इनवाइट करते हैं इन जैसी प्लेस पे, आप आइए, हमने खाली रखा है आप लोगों के लिए, और हम फिर बाहर से कैंपेन चलाते हैं कि हम ड्रग्स के खिलाफ हैं। और ये तो वही वाली बात होगी ना कि हमें जो सिगरेट के पैकेट के ऊपर वो लिखा रहता है कि वार्निंग लिखी रहती है आपको कैंसर हो जाएगा, बट कोई उसके लिए कोई बात नहीं करता है। मैं फ़खर बचूस टाउन पटनस में रोजन वो लगचार पे वान व टाउन कुस काम करान तमिक शुक्र गुजार म्युनिसिपल कमेटी पटन के। अलबत्ता कुन साथ चुम गसान पन्ने जाए ये सन दिलस खदश आक इलिस मंडे तो भी सैटरडे हफ्तस मुझे इम जुदो इल मंडे पे ट्रैफिक बसान फ्रॉम कपवाड़ा बारामला सोपोर पे हम फसान पटनस मज तम सा प्रथ कबून ना पटनस खिलाफ बुर लफज गोज यह चीज़ दुम चीज़ ये सब बटवार पे मुलाजिम वापस पच फसान तो बे पटनस मज तम पटनक पे चीज़ बोजन पटन से खराब वजह क्या अत रोड वाइडनिंग अः गवर्नमेंट एलो कर यह चीज़ कहें कि साथ दिवान कहें वस अगर वो पटनस त्रेस गमत अस मान पार्क तान पार्क पे ब्रो अप टू पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन अप टू ब्रो ट्रामा हॉस्पिटल तान ट्रामा हॉस्पिटल तानत उस एरिया यहाँ फ्रॉम पुलिस स्टेशन पे तम वस वन ना रोड वाइडनिंग गसन पटनस तेज़ ट्रैफिक मेस यह गए दो खत्म। अलबत् ब्रो कुन पकान पुलिस स्टेशन पे ब्रो कुन अप टू पार्क तान तम यह चीज़ मानान तम वन बदल फलसा पुन बाईपास कड़ू सा युद्ध ये पार्क पे ब्रो नेरान तम वन ब्या चीज़ बाईपास नीरू सा हे यानी कि त्रे हिस्से वन अगर बहुत करान यम पटन तहसील सत बाई गाम तमन रिक्वेस्ट अगर सारी समित मीटिंग गे ये पटन पटनस बारस मज तेज दो खो दो पटन पथ अगर वो बाकी मार्केट वो मागम वो या दशनी साइड गोजबुक एरिया वो दो खो दो कम्प्लेक्स बनान मगर पटनस मज वस तक कहें तो सोफिस्टिकेटेड कम्प्लेक्स यह चाहे पुन बाथरूम आ कम्प्लेक्स लकट मकट पॉइंट। देखिए एज अ सोसाइटी भी हमें ऐसे कुछ काम करने, हम सारा कुछ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं रख सकते। हम बार बार गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं और ऑब्वियस ही बात है मैं पहला बंदा होता हूँ जो गवर्नमेंट के ऊपर जो क्वेश्चंस उठाता है उस टाइम, लेकिन साथ में हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखिए अभी जो ईद गई है उससे पहले जो शब कदर थी, एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज आया था कि 24 लाख किसी मस्जिद में डोनेशन हुआ है। मैं खुश हूँ और प्राउड करता हूँ हम कश्मीरी लोग देने वालों में से हैं, बट हम नहीं जानते कि हमें कहाँ देना है। अगर लोग ये समझें
क्योंकि जो बाहर मैं पढ़ के आया हूँ, हर एक मंदिर के सामने या कहीं पे वाटर कूलर्स लगे हुए हैं, वॉशरूम्स हैं। हम अभी तक इतना भी हमने अपनी सोसाइटी को इतना भी नहीं बढ़ाया कि हम ये जानें वॉशरूम्स बहुत ज़रूरी है बस स्टॉप्स के पास में। पिछली बार मैंने एक अच्छी बात उठाई थी, सोसाइटी को थोड़ा सा मैंने उजागर किया था इस बारे में कि अगर कोई मेरी जो माँ या बहन है बस स्टॉप पर अगर उनको नेचर कॉल होता है, हाजत लग जाती है, तो वो कहाँ जाएंगे? आप लोगों ने ये चीज़ नहीं सोची है। उस टाइम हम दावे करते हैं कि हम बड़े मुसलमान हैं, बड़े ईमानदार हैं और इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस टाइम अल्लाह खुश होते होंगे, बहुत नाराज़ होंगे उन चीज़ों से। जब किसी गरीब को प्यास लगती है किसी बस स्टॉप के ऊपर और वो फिर वेट करता है कि पानी मिल जाए कहीं से, हम अभी तक एज अ सोसाइटी हमने इतना अभी अपना जहन ही नहीं बढ़ाया कि हम ये खुद अपने पॉकेट मनी से कर सकते हैं। इसी बनिस्बत जब विंटर्स आ जाते हैं तब हम मस्जिदों में जितने भी हमाम हैं उसके लिए हर एक घर से पैसा लेते हैं कि हमें हमाम को बिल्कुल एक गर्म रखना है, और फिर लास्ट में पबजी चलाते हैं बच्चे वहाँ पे। अभी आजकल चोरियाँ बहुत बढ़ गई है, उसका भी हमने देखे एक मिनट सर, उसका भी मैंने देखा कि वो चरस वाले हैं। अभी आज देखो गाँव में आ रहे हैं गाड़ियों में लोग, चलो मस्जिद के लिए चंदा है, इमामबाड़े के लिए है, दारुल उलूम के लिए है। मैं कुछ नहीं बोलता था, लोग बाल्टीन भर भर के चावल लेके आते थे क्योंकि फ्री मिल रहा है, मगर पिछले 10-15 दिन से मैंने क्या किया, जो कोई भी आता है गाड़ी में स्पीकर लगा के मैं उनको बोलता हूँ रुको भाई, बोलो किसके लिए जमा करते हो, वो बोलते हैं मस्जिद के लिए, दूसरा बोला मैं हम दारुल उलूम के लिए, मैंने बोला दो बातें बोल रहे हैं। चलो तब से तकरीबन 10-15 दिन से हमारे इलाके में कोई चंदा जमा करने नहीं आता है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हाँ गवर्नमेंट की कहीं पे कोताही होती है वो भी, क्योंकि जो सरकारी मुलाजिम हैं वो भी हमारे भाई हैं, उनकी कोताही है। ऊपर जो गवर्नमेंट है मरकज़ में दिल्ली में बैठी है वो वहाँ से पैसे भेजते हैं, हम यहाँ पे नाजायज़ इस्तेमाल करें वो हमारा ही फर्ज। मैम मुझे लगता है कि सबसे जो प्राइम जो प्रायोरिटी होनी चाहिए उन पैसों की या जो फंड्स आते हैं वो इन्हीं चीज़ों में सर्फ होना चाहिए कि हर एक बस स्टॉप के पास वॉशरूम होना चाहिए लेडीज़, स्पेशली लेडीज़ के लिए, और जो पानी की जो फैसिलिटीज़ है वो होनी चाहिए हर एक जगह पे, वाटर कूलर्स लगने चाहिए। देखिए जो हमें एक्चुअल काम दिए गए थे वो तो बाहर जो हम बोलते हैं गैर मुस्लिम बोलते हैं, मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूँ क्योंकि उनकी जो क्वालिटीज़ देखी है मैंने बहुत अच्छी हैं, और हमें बार बार बताया जाता है क्यों आप उनकी तारीफ ना करें, बट जो उनके काम है तारीफ करने के लायक है। जब यहाँ पे कश्मीर से कोई पेशेंट चला जाता है अमृतसर की तरफ, वहाँ पे उनको रहने खाने के लिए भी जगह मिल जाती है फ्री में, और यहाँ हम कश्मीर में सीना छाती पीट के मतलब ऐसा बोलते हैं कि हम बड़े मुस्लिम हैं, हमने तो बस ठेका लेके रखा है इस्लाम का, और हमें यहाँ पे वॉशरूम्स भी बनने जा रहे हैं। सोसाइटी मैम, मैं गवर्नमेंट को बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं ठहरा था, क्योंकि गवर्नमेंट में ऐसे लोग हैं ना मतलब वो सोए हुए हैं, अभी उनको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है कि किसी बस स्टॉप के ऊपर वॉशरूम्स होने चाहिए। यहाँ पे अभी जो एक स्कीम आई थी, मुझे लगता है कि स्वच्छ भारत अभियान, बड़ा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, इन ऑफिसर्स को इतनी समझ भी नहीं आई थी कि स्वच्छ भारत अभियान आप लोगों को बस स्टॉप से पब्लिक जो प्लेसेस है वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, आपको घर में जाके दे रहे हो और उस बंदे को दे रहे हो जो ऑलरेडी जिसने एस्टैब्लिश किया है वहाँ पे वॉशरूम्स, उसके फंड्स निकाल रहे हो। इन सर ने जो भी बातें कही मुझे उन सब बातों से इत्तेफाक है, एक्सेप्ट द वन थिंग, इन्होंने कहा मैं बाहर जाता हूँ, बाहर के लोग होते हैं उनमें बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है और मुझे उनकी तारीफ़ करनी है, वो कहीं पे पानी मुहैया करा लेंगे, वॉशरूम्स होंगे। मैं इन्हीं से, यहाँ पर अभी नहीं है, मैं इन्हीं से ये सवाल करना चाहती हूँ, वेन एवर आपको पता है कश्मीरी कितने होल हार्टेड होते हैं, जैसे कि एक औरत ने, एक बूढ़ी औरत ने, आई गेस 24 लाख फॉर अ मस्जिद दिए, आपने कहा कि हम कश्मीरियों को नहीं पता हमें अगर डोनेट पैसे करने करने, अगर कोई बाहर से नॉन मुस्लिम्स आते हैं, ट्रैवलर्स आते हैं, उनके पास कोई सहारा नहीं होता है, वहाँ कश्मीरी सहारा देते हैं। मैंने रिसेंटली एक इंसिडेंट सुना था, लेडी थी, मतलब बुज़ुर्ग थे वो दोनों, हस्बैंड एंड वाइफ, उनके पास खुद ज़्यादा सोर्स नहीं था, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पर जब कोविड टाइम्स चल रहा था, एक बाहर हिंदू फैमिली, उनके पास कोई सहारा नहीं था, ना उनके पास कोई खाना पीने के लिए था, उन्होंने टिल द कोविड टाइम, जब तक उनको वापस जाने का सोर्स नहीं मिला खाना,
पीना रहना उन्होंने उन्हें मुहैया करा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम कश्मीरियों को नहीं पता हमें कैसे चीज़ें प्रोवाइड करनी और हमें कैसे अपने पैसे डोनेट करने। और रही बात पानी, हम कहीं भी जाएंगे वेन एवर आस्क अ कश्मीरी फॉर अ वाटर बॉटल, वहाँ पर आपको खाना ऑफर करेंगे विद अच्छे से खाना पीना आपको ऑफर करेंगे, नो मैटर उनके पास खुद को खाने को ना हो। तो मैं ये इस चीज़ से अग्री नहीं करती हूँ कि कश्मीरी आपको मेहमान नवाजी नहीं करेंगे, नो मैटर आप वहाँ से कश्मीरी हो वहाँ से आप बाहर के हों। नाज़रीन, वक्त की कमी को मद्देनज़र रखते हुए हमें हमारा आज का शुमारा यहीं पर इख्तिताम करना होगा। ज़िला बारामूला खुसूसन पट्टन के लोगों से हमें काफ़ी सारे मेल मौसूल हुए थे, काफ़ी सारे सवालात मौसूल हुए थे, उन सवालातों पर आगे भी बात होगी, उसके लिए आपको हमारा अगला शुमारा देखना होगा। तो दीजिए रूबरू की टीम को इजाज़त, शब बख़ैर।